Do you know, आपको आपके इन्वेस्टमेंट से रिटर्न कितना मिलता है? शायद हाँ, लेकिन क्या आपको ये पता है कि रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या मिलता है? सोच में पड़ गए क्या? आखिर क्या है ये रियल रेट ऑफ रिटर्न? और जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तब रियल रेट ऑफ रिटर्न यानी RRR के बारे में कभी सोचते हैं? रिटर्न और रियल रेट ऑफ रिटर्न में फर्क है। What you earn above inflation, यानी महंगाई के दर से अगर ज्यादा रिटर्न मिले तो वो होता है रियल रेट ऑफ रिटर्न। नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। 2001 में पेट्रोल की कीमत थी लगभग 33 रुपए, मतलब 100 रुपए में आपको मिलता था अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर पेट्रोल। और आज 2021 में पेट्रोल की कीमत है 100 रुपए, तो अगर आज आप पेट्रोल पंप पर जाओगे तो आपको मिलेगा 100 रुपए में सिर्फ और सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल, यानी आपका परचेसिंग पावर कम हो गया। इंस्टेड ऑफ मोर देन 3 लीटर पेट्रोल यू कैन बाय ओनली 1 लीटर पेट्रोल। इसी तरह अगर महंगाई 6% है और आपके इन्वेस्टमेंट के सामने आपको 6% रिटर्न मिलता है तो इन्फ्लेशन के सामने इन्वेस्टमेंट रिटर्न हो जाएगा 0%। इन शॉर्ट, इवन आफ्टर डूइंग इन्वेस्टमेंट योर परचेसिंग पावर वुड नॉट इंक्रीज बिकॉज महंगाई भी उसी दर से इंक्रीज हुई। इंक्रीज परचेसिंग पावर, चलिए इसे थोड़ा और डीपली समझते हैं। एक लड़का था जिसका ड्रीम था गियर वाली साइकिल खरीदना, जिसकी कीमत थी 24,000 रुपए। He started saving 1940 rupees every month for 1 year at the rate of 6%, ताकि उसे 24,000 मिल जाए और वो साइकिल खरीद पाए। एक साल के बाद जब वो साइकिल खरीदने जाता है तब साइकिल की कीमत भी 6% बढ़कर 25,440 रुपए हो जाती है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी वो लड़का साइकिल नहीं खरीद पाया। सेम साइकिल की कीमत अब थी 25,440 रुपए एट 6% इन्फ्लेशन, यानी करीब 1,440 रुपए की शॉर्टेज। मतलब उसने रियल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से सेव नहीं किया एंड कुड नॉट बी एबल टू बाय हिज ड्रीम साइकिल, यानी महंगाई के दर से ज्यादा रियल रेट ऑफ रिटर्न। है ना सिंपल? तो अब आपको पता चल गया होगा कि रियल रेट ऑफ रिटर्न कितना जरूरी है टू इंक्रीज योर परचेसिंग पावर। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट का पीरियड होगा उतना ही ज्यादा होगा परचेसिंग पावर और उससे होगा वेल्थ क्रिएशन। रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? रिटर्न अबव इन्फ्लेशन। रियल रेट ऑफ रिटर्न कौन से इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट से मिलेगा? फिक्स डिपॉजिट से मिलेगा, सेविंग अकाउंट से मिलेगा, म्यूचुअल फंड से मिलेगा या फिर PPF से मिलेगा? ये जानने के लिए आज ही कॉन्टेक्ट कीजिए NJ वेल्थ पार्टनर का।